वहाँ पे जिस तरह से अनकंट्रोल भीड़ हुई है और क्या हुआ है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पहले तो जो मृत्यु हुई उनके प्रति तो दुख श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, लेकिन राजनीति में कहीं भी इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या रही, क्योंकि मिर्ची पाउडर जो आपने छिड़का है तो कहीं ना कहीं आपसे लॉ एंड ऑर्डर को भी अगर किसी ने ये करने की कोशिश की है तो उसकी वजह से भी हुई है, उग्र प्रदर्शन हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन आई है। कि बिहार में तानाशाही की सरकार है, बिल्कुल नहीं, सुशासन की सरकार है यहाँ, सुशासन की, जो यहाँ दवाई सुनवाई पढ़ाई लिखाई इसकी सरकार चल रही है। महिला जो कार्यकर्ता थे उन पर जेंट्स पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, कपड़ा फटक फाड़ दिया गया था महिला को। प्रदर्शन में हमें संभल कर भी रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग भी बाहर फेंके गए थे विधानसभा से, हम लोग को भी धक्के मार के बाहर फेंका गया था, हम लोग को भी फेंका गया था, तो इसलिए ये बातें महिला आप ये मत करिए, अगर आपने माहौल खराब किया, आपने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को खराब की, तो उस पर सवाल ये है, वहाँ नहीं यहाँ के लोगों को बहुत ही असुविधा हुई है ये प्रदर्शन से, वहाँ के लोग अस्त व्यस्त जीवन हुआ है, आप बहुत सारी समस्याएं आम लोगों को आई है। मेरी गाड़ी, नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ, हमारे साथ मोहनिया के विधायक आरजेडी की संगीता कुमारी है। संगीता जी, बिहार विधानसभा का बजट मानसून सत्र जा रही है, आज सत्र का 5वां दिन है, क्या अंदर में हुआ था जो सिर्फ बंद कर दिया गया, अंदर में क्या हुई थी? अंदर में विपक्ष का काम है, विपक्ष तो सीधा पूरे मानसून सत्र में विपक्ष तो काम ही होने नहीं दिया, तो हमेशा हंगामा किया विपक्ष में, तो काम हुआ ही नहीं, हंगामा विपक्ष तो आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष कभी काम ही नहीं करने देते हैं, वो हम लोग का जो सवाल है उठाते हैं तो हम लोग को सदन में उठाने ही नहीं देते हैं। अभी मानसून सत्र में कहाँ कभी हंगामा ही करते रह गए, आपने तो मुद्दे पर बात ही नहीं की, कब आपने बात किया, कब आपने जन समस्याओं को हाउस में उठाया है, आप तो कभी मैं क्या कहूँगी कि अभी कभी कभी हमेशा आप विरोध पर चाहते हैं कि आप वहाँ व्यवधान डालते रहते हैं विधानसभा के काम में। लेकिन शहनवाज हुसैन तो कहा कि जब हमने 15 साल पार्लियामेंट में रहा तो ऐसा कुछ नहीं, जब यहाँ पे जो सत्ता पक्ष कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो पक्ष अपनी बातों को रखता है, पोस्टर रखता है तो रखने नहीं देते हैं, और बिल्कुल नहीं ऐसा, वहाँ पे तानाशाही जो है रवैया है जो अध्यक्ष जी अपना हो सकता है कि ये जब ये सत्ता में है इसलिए इन्होंने ऐसा किया होगा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा महागठबंधन में ऐसी नहीं होता है, और बिहार में इस तरह का नहीं होता है। मैडम, जिस तरह से कल जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाया गया, नेता प्रतिपक्ष जो है विजय कुमार सिन्हा पर भी लाठी चला, सांसद को पीटा गया, इसको कैसे देखते हैं? वहाँ पे जिस तरह से अनकंट्रोल भीड़ हुई है और क्या हुआ है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पहले तो जो मृत्यु हुई उनके प्रति तो दुख श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, लेकिन राजनीति में कहीं भी इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या रही, क्योंकि मिर्ची पाउडर जो आपने छिड़का है तो कहीं ना कहीं आपसे लॉ एंड ऑर्डर को भी अगर किसी ने ये करने की कोशिश की है तो उसकी वजह से भी हुई है, उग्र प्रदर्शन हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन आई है। 2021 में जब राजद ने भी अंदर में हिला था इसी विधानसभा के, तो उसमें भी प्रशासन द्वारा जो विधायिका को मारी गई थी उस पर भी आप लोग आरोप लगाए थे कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं बल्कि तानाशाही की सरकार चल रही है, यहाँ पे अफसरशाही की सरकार है, पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी में तब्दील होती जा रही है। नहीं, उस समय हम लोग दूसरे विधेयक पर प्रदर्शन किए थे, यहाँ तो अनकंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब होता है तो उस पर यहाँ पर एक्शन। मैडम, आप मानते हैं कि बिहार में तानाशाही की सरकार है? बिल्कुल नहीं, सुशासन की सरकार है यहाँ, सुशासन की, जो यहाँ दवाई सुनवाई पढ़ाई लिखाई इसकी सरकार चल रही है। महिला जो कार्यकर्ता थे उन पर जेंट्स पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, कपड़ा फटक फाड़ दिया गया था महिला को। प्रदर्शन में हमें संभल कर भी रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग भी बाहर फेंके गए थे विधानसभा से, हम लोग को भी धक्के मार के बाहर फेंका गया था, हम लोग को भी फेंका गया था, तो इसलिए ये बातें महिला आप ये मत करिए, अगर आपने माहौल खराब किया, आपने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को खराब की, तो उस पर सवाल ये है कि महिला जो कार्यकर्ता थी उसको जेंट्स पुलिस द्वारा मारा गया, पीटा गया, महिला खुद रो रही थी, बीच सड़क पर लौट गई थी, कह रही थी कि हमें जेंट्स पुलिस द्वारा, क्योंकि महिला पुलिस नहीं था क्या बिहार सरकार? इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे मिर्ची पाउडर दिख रहा है, मिर्च पाउडर पुलिस की आंखों में फेंका गया है, ये भी गलत है, आप हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं जो हमारी सुरक्षा में हैं उन पर मिर्च पाउडर नहीं डाल सकते हैं। बीजेपी की ओर से आप तो ये नहीं कर सकते मिर्ची पाउडर नहीं लाया, क्योंकि वहाँ के वहाँ नहीं यहाँ के लोगों को बहुत ही असुविधा हुई है ये प्रदर्शन से, वहाँ के लोग अस्त व्यस्त जीवन हुआ है, आप बहुत सारी समस्याएं आम लोगों को आई है। मेरी गाड़ी देखिए, तो किस तरह से जो आरजेडी की जो संगीता कुमारी जो विधायक है मोहनिया से साफ तौर पर कह दिया है कि हमें इस सबका कुछ पता नहीं है, और हमें भी याद है कि 2021 में हमें भी मारा गया था, घसीटा गया था, इसको लेकर के अभी तक भी ये लोग का जो याद नहीं खुली है, तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बने रहे रिपब्लिक न्यूज पर, धन्यवाद।
रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।